मॉर्निंग गाइस, आज टुडे इज थर्ड डे ऑफ कॉर्डेलिया क्रूजेस। आज है 25th अक्टूबर। कल डे टू ख़त्म होते होते कुछ 12 बजा दिए मैंने सोते सोते, तो आप अराउंड अभी बज गए हैं 7:30। तो 7:30 अभी शायद ब्रेकफास्ट शुड बी ऑन, एंड 10:30-11 बजे तक ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था क्लियर द कैबिन एंड गिव द कीज टू देम। सो देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। एंड यस, अ वंडरफुल क्रूज जर्नी इज अबाउट टू एंड। चलो लेट्स सी। ये कैबिन का टेम्परेचर एंड एसी सेटिंग्स वर वेरी वेल मेंटेन्ड। इफ आई केप्ट इट ऑन अराउंड, हमारा टेम्परेचर था अराउंड 20 पे, बट वॉज वेरी वेल मेंटेन। और उसका एसी का वेंट ये है, मस्त टेम्परेचर में हमेशा मेंटेन रहा। देखो मेरा लड़का अभी भी अच्छे से सोया है। एंड दैट इज़ दी कैबिन व्यू, ओशन व्यू फ्रॉम आवर कैबिन। मोमेंट आपको दिख ही रहा होगा, क्लोजअप दिखा देता हूँ आपको, आज का व्यू दिखा देता हूँ। आज का व्यू, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये वाइट वाटर जो स्प्लैश होता है, लहरें जो क्रूज आगे जाते जाते बनाते हुए जाती है, मस्त लगता है, द बेस्ट एक्सपीरियंस। चीज़ आपको शायद मैंने बेडिंग अरेंजमेंट का बताया नहीं, वो है ये। सो दिस, सो बेसिकली आपको ये दो बेड्स अलग से मिलते हैं। माय सन हैज़ गॉट अप। देखो ये बंग बेड है ये दोनों, और ये नीचे के जो आपको डबल बेड से दिख रहा है, एक्चुअली इट्स टू सेपरेट बेड। सो ये दो कोने में रहता है बाय डिफॉल्ट। सो एक्चुअली इस कैबिन में आप 4 लोग सो सकते हैं। दिस बग बेड जैसे आपके ट्रेन के स्लीपर्स में होते हैं, दिस कैन कम डाउन ऐसे। एंड नेवर डू इट बाय योरसेल्फ, दे विल डू इट। यहाँ पे स्टीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे ये नीचे आ जाता है। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4 लोग अगर आप अलग हैं तो ऐसे सो सकते हैं। सिंस वी हैड अ किड, हमारा लड़का था, सो बीच में सोने की उसकी आदत है। सो हमने ये डबल किंग साइज बेड में करवा दिया। सो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है, राइट? जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू। सो गाइस, दिस इज डे 3 ब्रेकफास्ट उत्तपम। वी हैव छोले, ढोकला, ब्रेड टोस्टर, वर्मिसेली उपमा, पोहा, आलू पराठा, हैश ब्राउन, पैनकेक, बेक बीन्स, एग भुर्जी, बॉइल्ड एग, चिकन सॉसेज एंड चिकन पैटी। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट ऑफ डे 3। आज हमारा डिसम्बार्कमेंट है, बाय अदर 3-4 आवर्स, बॉइल्ड एग। डे 3 में मैं आया हूँ डेक 11 में, टेरेस में। सुबह के बज गए हैं अभी 10:10। आर मूविंग एंड क्रूजिंग टूवर्ड्स, आई डोंट नो आपको यहाँ से कोस्ट लाइन दिखेगा या नहीं, मैं कैमरा में हल्का सा धुंधला सा कोस्ट लाइन दिख रहा है मुंबई का, विथ स्काई स्क्रैपर्स एंड टॉल बिल्डिंग सब दिख रहा है। सो काफ़ी सारे लोग ऊपर आके एंजॉय कर रहे हैं द लास्ट फ्यू मोमेंट्स, लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ आर क्रूज ट्रिप। ब्लू वाटर्स, ब्लू स्काईज, ब्राइट सन, अच्छा लग रहा है। एंड मे बी यहाँ पर हवा है 40, 50 या 60 किलोमीटर पर आर के स्पीड से कम नहीं है, थोड़ा सा उछल्ले अगर आपका वजन वगैरह कम है तो यू माइट फ्लाई अप। आपको थोड़ा सा ओशन का व्यू और दिखाता हूँ, करीबेंसी का।
सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। अधूरी रहे इश्क की दास्ता वही चाहत कहलाती है, समंदर से मिलने के बाद तो नदी भी समंदर कहलाती है। उसने मुझसे पूछा मोहब्बत कश्मकश क्या है, मैंने कहा बाहों में समंदर और रूह प्यासी है। तूने देखी कहा मैंने चाह तो कोई दुनिया, समंदर इश्क का तेरे लिए अभी सूखी नहीं है। कह तो समुद्र से कि लहरों को संभाल कर रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरे दिल ही काफी है। डॉक पे पहुंच रहे हैं, एक ट्रॉलर बोट अपने क्रूज को खींच के फाइनली ये डॉकिंग स्टेशन पे ले जाएगी। सो आवर ट्रिप एंड्स हियर। आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा कि हाउ स्मूथ इट वाज। डिसम्बार्केशन, एम्बार्केशन तो ठीक था, एम्बार्केशन इतना ठीक नहीं था, डिसम्बार्केशन लेट्स सी हाउ इट इज। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डॉक, यहाँ पे डॉक हो जाएगी, ये हमें यहाँ खींच के वहाँ ले जाएगी। तब तक हम लोग को रेस्टोरेंट में वेट करने को बोला है। इफ़ यू हैव एनी क्लियरेंस या आपके कार्ड में कुछ क्रेडिट है या कुछ रिफंड में लेना है तो यू कैन टेक इट, एंड रेस्ट डिसम्बार्केशन शुड बी होपफुली स्मूथ। लेट्स सी, वी विल कीप यू पोस्टेड। सो गाइस, हम डिसम्बार्क हो चुके हैं, हम निकल गए क्रूज से। पीछे आप मेरे देख सकते हो, मेरे दोस्त और मेरे वाइफ वगैरह सब चले गए हैं पोर्ट के अंदर। वहाँ से हमको अभी बस पकड़ के, सेम रिवर्स प्रोसीजर, बस पकड़ के फिर टर्मिनल से बाहर निकलना है, वहाँ से टैक्सी पकड़ के घर। सो द टू डे का हमारा कोडिलिया क्रूज का ट्रिप मुंबई गोवा ख़त्म होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आपको जितने भी सीरीज में मैंने वीडियोस बनाए आपको पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब टू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको आगे कोडिलिया में जाना है। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बोलो टाटा जी, दा से टाटा, बाय फ्रॉम माई किड एंड माई सेल्फ, बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ गाइज, थैंक यू।